सो हे हस्टल ऑडियंस, सो मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज किसने एक्साइटिंग वीडियो में मैं यहाँ पर आपको एक अपडेट देने लाऊँ जो कि रिलेट करता है शॉमी के रेडमी नोट 5 से। तो इसको मिल चुका है रेडमी का MIUI 10 स्टेबल अपडेट। तो फाइनली यहाँ पर आपको मिल चुका है रेडमी नोट 5 के लिए। इससे पहले नोट 5 प्रो और रेडमी के Y2 को ऑलरेडी मिल चुका है। तो अगर आपको ऐसी इंस्टेंट टेक अपडेट चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। तो मैं सबसे फास्ट जो अपडेट्स आपके लिए डालता रहता हूँ स्टोरीज के थ्रू, जिसका आपको बहुत ही यूज आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एंड्रॉइड ओरियो में अपडेट हो चुका है मेरा रेडमी नोट 5, और साथ ही इसमें जो है बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो कि MIUI 10 से बहुत ही रिलेट करते हैं और बहुत ही कह सकते हो बहुत ही लाजवाब है कंपेयर टू MIUI 9। तो बात करते हैं इन सभी फीचर्स की इन वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात की जाए तो इसकी सिक्योरिटी पैथ लेवल की, तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर आपको अगस्त का सिक्योरिटी पैथ लेवल दिया गया है। तो अगर आपको पता नहीं, गूगल की तरफ से जो है कह सकते अपनी सिक्योरिटी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत सारे सिक्योरिटी अपडेट्स पुश करता रहता है। तो यहाँ पर शाओमी ने भी उसको जो है बहुत ही जल्दी रिलीज कर दिया गया है। अब आपको अगस्त का मिल रहा है जो कि बहुत ही सिक्योरिटेड कह सकते हो एक सिक्योरिटी पॉइंट है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी पॉइंट के बारे में, जो है सिक्योरिटी एप्लीकेशन डिफॉल्ट। तो यहाँ पर आपको इनबिल्ट एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन मिलता है जो कि यहाँ पर आपको देख सकते हो इसका सारा कुछ इंटरफेस चेंज हो चुका है। तो अगर आप कंपेयर करोगे अपने MIUI 9 से तो वहाँ पर आपको कंप्लीटली चेंज मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको नए नए ऑप्शन मिल जाते हैं, क्लीनर मिल जाता है, डीप क्लीन मिल जाता है और बहुत सारे ऑप्शन मिलता है बैटरी सेविंग का। तो अगर आप एक बीटा यूज़र हो तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स जैसे कि व्हाट्सअप क्लीनर, हार्डवेयर टेस्ट आपको मिल चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स में यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कम्प्लीटली यूज़र इंटरफेस जो पूरा चेंज हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर आपको आइकॉन्स जो है बहुत ही राउंडेड और स्क्वायर में आपको मिल रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ पर आपको सारा कुछ यहाँ पर एनहांस किया गया है, सिस्टम को ऑप्टिमाइज़ किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ट्राई किया है कि यहाँ पर आपको MIUI 10 से मतलब कि MIUI 9 से MIUI 10 में आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिल सके। तो सेकेंड अपडेट आता है क्लॉक में, जहाँ पर आपको नेचर साउंड्स को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। दूसरी बात, यहाँ पर फुल को डार्क मोड दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता नहीं कि नेचर साउंड्स का इसका एक मेन हाईलाइटिंग फीचर था कि यहाँ पर आपको पहले ऑडियो फाइल्स डाउनलोड करनी थी। तो उसके बाद थर्ड अपडेट आता है यहाँ पर इसके वॉल्यूम स्लाइडर्स। तो वॉल्यूम स्लाइडर फुली कंपेयर्ड यहाँ पर एंड्रॉइड पी से रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो सारा कुछ आपको DND वॉल्यूम स्लाइडर, अलार्म स्लाइडर और आपको मीडिया वॉल्यूम सारा कुछ एक ही में आ जाता है, जो कि यहाँ पर सेंटर में 100 आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही एफिशिएंट और बहुत ही ऑन द गो आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था सेकंड अपडेट के बारे में कि यहाँ पर आपको नेचर के साउंड इंप्लीमेंट किए गए हैं, तो उसके पहले आपको जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको एज यूजल आपको बेसिक्स आपको क्लॉक एप्लीकेशन में आना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ यहाँ पर आपको साउंड्स को डाउनलोड करने की परमिशन पूछेगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे साउंड्स यहाँ पर प्ले हो रहे हैं लेकिन मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर क्लॉक का हो गया या फिर कह सकते हो आपका स्लाइडर हो गया और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी हो गई। तो यहाँ पर लेआउट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो टिपिकल शाओमी लेआउट ही है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पर फुल स्क्रीन जेस्चर भी आपको मिल चुका है, फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिल चुका है रेडमी के नोट 5 में, पोर्ट्रेट मोड मिल चुका है फ्रंट में। और यहाँ पर फिफ्थ अपडेट के बारे में बात की जाए तो स्टेटस बार के बारे में, तो स्टेटस बार में यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ एंड्रॉइड पी से रिलेट करता है। तो यहाँ पर आपको आप आइकॉन्स को ऐड कर सकते हो ड्रैगन होल्ड करके। तो एक बात मुझे यहाँ पर अच्छी लगी कि यहाँ पर आप अपने विडजेट्स को भी ऐड कर सकते हो पॉसिबल हो। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि मैंने ओपन कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था तो वो यहाँ पर मैं ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पर परमिशन दिखा रहा है। तो यहाँ पर ऐड भी कर सकता हूँ और इसको जो रिमूव भी कर सकता हूँ, तो कि बहुत ही बेस्ट पार्ट है। और मुझे एक बात अच्छी लगी स्टेटस बार के बारे में कि यहाँ पर जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन के अंदर जाते हो तब आप स्टेटस बार ओपन करते हो तो उसका बैकग्राउंड यहाँ पर स्टेटस बार की बैकग्राउंड से मैच कर जाता है, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर दिखने में बहुत ही क्लासी लुक और बहुत ही फिनिशिंग लुक प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड करता है। तो परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि यहाँ पर आपको MIUI 9 भी यूज़ किया हूँ, MIUI 10 भी यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पर MIUI 10 का बीटा भी यूज़ किया हूँ लेकिन MIUI 10 का स्टेबल अभी यूज़ कर रहा हूँ फिलहाल। लगभग से मुझे 4-5 घंटे हो चुके हैं मैं इसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आपको फुल क्लियर बता रहा हूँ कि MIUI 10 बहुत ही स्मूथ रन कर रहा है अपने इंटरफेस के पर मतलब कि सिस्टम पर, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। MIUI 9 हल्का फुल्का आपको लैगिनेस मिल रहा था, हालांकि MIUI 9 को मैं आपको बेकार नहीं कहूँगा लेकिन बेटर बहुत ही बेटर है MIUI 10 भी। लेकिन यहाँ पर गैलरी के बारे में बात की जाए तो गैलरी में भी आपको यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन मिलता है, जिसे आप दो हाथों से उसको रोटेट कर सकते हो और वहाँ पर फेवरेटिज में भी ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशन को स्नूज कर सकते हो, मतलब कि मोर सेटिंग्स में आपका अगर आप अपने नोटिफिकेशन को पढ़ना भूल जाते हो, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ही दिक्कत आती है, बहुत सारे सोशल मीडिया साइट से आपको नोटिफिकेशन आते हैं, तो सिंपली उसको यहाँ पर स्लाइड कीजिए और अपने नोटिफिकेशन को जो है स्नूज कर दीजिए, जो कि बहुत ही ऑन द गो आपको बहुत ही ईजी आपकी डे टू डे लाइफ में आपको माना जाता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन भी अपडेट होकर आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सिस्टम लॉन्चर भी अपडेट होकर आया है। तो देखते हैं कि इसका आगे क्या यूज़ होने वाला है मुझे यहाँ पर फ्यूचर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो यहाँ पर फेस आईडी तो ऑलरेडी आ चुकी थी लेकिन लास्ट अपडेट में आई थी, तो मेरा वो वीडियो फुल रेडी था, उससे पहले मेरे सारे फाइल्स करप्ट हो गए थे। तो मैं फिर से वो वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी वेट कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ उसके बारे में।
तो अपन रिसेंट ट्री के बारे में बात की जाए तो रिसेंट ट्री कुछ आप स्टेट मिलता है, पहले आपको ऐसा स्लाइडिंग मिलता था, लेकिन आपको आपको ऐसा स्टेट मिलता है जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मानता है, क्योंकि यहाँ पर आईफोन तो अपना इनोवेशन लाता है और साथ ही ओप्पो और वीवो उसको कॉपी करते हैं, जिसकी आपको रिसेंट ट्री अभी देखने को मिलता है आईफोन में, सेम आपको मिलता है ओप्पो और वीवो के स्मार्टफोन में, लेटेस्ट स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ पर शाओमी अपना खुद का लाता है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है, इसके नए नए इंटरफेस, नए नए फंक्शंस, नए नए फंक्शनैलिटी, नए नए यहाँ पर कह सकते हो साउंड्स, नए नए अनाउंसमेंट अपने सिस्टम के साथ, जो कि मुझे बहुत ही पसंद अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपने भी अपडेट कर लिया अपने रेडमी नोट 5 और Y2 और नोट 5 प्रो को, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका स्मार्टफोन कैसे चल रहा है आपके हाथ में। तो मैं मिलता हूँ एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मुझे जरूर से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में।